तो सबसे पहले आप सबको हमारी तरफ से पी सेंटर की तरफ से खुश आमदीद, और मैं चाहूँगा कि ज़ोरदार तालियों के साथ हम आपको आज इस प्रोग्राम में रखेंगे। आज का ये जो मौजू है ये बिल्कुल थोड़ा डिफरेंट मौजू है, और आज के इस प्रोग्राम में आप ज़्यादा जो बातचीत करते हुए देखेंगे वो वकला हजरात को देखेंगे, और ये एक जजमेंट है जिसका फ्लैक्स के ऊपर भी लिखा हुआ है। बहुत सारी इस पर स्ट्रगल हो चुकी है, और आज का ये जो कॉन्फ्रेंस है एक दिन की, ये भी इसी जजमेंट की रोशनी में आज यहाँ पर ऑर्गेनाइज की जा रही है। आज की ये कॉन्फ्रेंस दो ऑर्गेनाइजेशन जो है पीस सेंटर में ऑर्गेनाइज कर रही है, जिनके इश्तराक से आज आपको मधु किया गया कि आप इस गुफ्तगू में शामिल हों। तो पहला जो अदारा है वो पीस सेंटर है, फादर जेम्स चंदन ओपी साहब जो कि इस अदारे के डायरेक्टर हैं वो आज के ऑर्गेनाइज़र हैं, और इसके साथ साथ सैमुअल प्यारा साहब जो कि चेयरमैन है IMRF ऑर्गेनाइजेशन के, और ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन के इश्तराक से आज का ये प्रोग्राम, आज की ये कॉन्फ्रेंस आज यहाँ पर पीस सेंटर में हम कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि हम अपने आगे प्रोग्राम को बढ़ाने से पहले जो आज के स्पीकर हैं मैं उनको बारी बारी मधु करूँगा ताकि वो स्टेज पर तशरीफ़ लेकर आए। तो सबसे पहला नाम पीस सेंटर के डायरेक्टर फादर जेम्स चंदन ओपी साहब से मेरी गुजारिश है कि आपकी ज़ोरदार तालियों में वो स्टेज पर तशरीफ लेकर आए। तालियों की आवाज़ बहुत कम है, अभी तो स्टार्ट है। इसके साथ साथ सैमुअल प्यारा साहब जो कि आज मेज़बान भी हैं और फादर जी के साथ इस मौजू पे इस काम के लिए बड़ी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं, आपकी ज़ोरदार तालियों में सैमुअल प्यारा साहब से गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लेकर आए। इसके साथ मैं गुजारिश करूँगा सीनियर वकील अदनान शमीम भट्टी साहब से कि वो भी स्टेज पर तशरीफ़ लेकर आए, आपकी ज़ोरदार तालियों में। हमारे दरमियान इश्तियाक चौधरी साहब मौजूद हैं जो कि एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के, मेरी उनसे भी गुजारिश है कि वो भी सामने स्टेज पर तशरीफ लेकर आए। मुफ्ती साहब भी आ गए, मुफ्ती साहब को भी हम खुश आमदीद कहते हैं जनाब, मुफ्ती आशिक हुसैन साहब को। इसके साथ साथ मेरी गुजारिश है नादिया हमीदाबा से जो कि हाई कोर्ट की वकील हैं, उनसे गुजारिश है कि वो सामने स्टेज पर तशरीफ लेकर आए। प्रोफेसर सरदार कल्याण सिंह यहाँ पर मौजूद हैं, आपकी ज़ोरदार की तालियों में मैं गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लेकर आए। डॉक्टर अरहर साहब यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ लेकर आए। डॉक्टर अरहर ज़ोरदार तालियों। मुफ्ती आशिक हुसैन साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, मैं उनको दावा देता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ लेकर आए, आपकी ज़ोरदार तालियों। इलामा डॉक्टर बदर मनीर साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, मेरी उनसे भी गुजारिश है कि वो भी स्टेज पर तशरीफ लेकर आए, ज़ोरदार तालियाँ, और दुआ में हमारी रहनमाई करें। बहुत शुक्रिया। आइए इसे जो दुआ मांगे, खुदा बाप और बेटे और रूह अल-कुद्स के दाम से। खुदावन खुदा प्यारे आसमानी बाप, हम दिल और दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करते हैं कि हम एक जिंदा वाहिद खुदा को मानते हैं जो सारी दुनिया का खालिक और मालिक रब और आसमानी बाप है, और वतन अजीज के लिए शुक्र करते हैं जिसमें आपने हमें यहाँ पर रखा है। यहाँ पर बसने वाले तमाम लोग अपने हकूक़ की जदोजहद के लिए काम करते हैं, और बिलाशुबा खुदामन खुदा यहाँ पर पुरअमन माहौल है, लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसे लीगल इशू मसाइल जन्म लेते हैं जिस पर बात होना
बहुत ज़रूरी है। लिहाजा आज इस अहम तरीन नशिस्त के लिए शुक्र करते हैं जो दो ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर इसका एहतमाम किया है कि पाकिस्तान में बसने वाली मजहबी अकलियतों के हकूक़ और उनके मसाइल के हल के लिए सैर हासिल गुफ्तगू की जाए। तो तमाम हाजरीन के लिए और ख़ास तौर पर मुकर्ररीन के लिए शुक्र करते हैं और दुआ करते हैं उनको हिकमत, दानिश, फहम व फरासत अता फरमा, ताकि जब इन बातों पर गौर किया जाए, गुफ्तगू की जाए, उनको खुदावंद ज़ेरे बहस लाया जाए, उन पर बातचीत की जाए, तो सब आपकी इलाही पाक मर्जी के मुताबिक हो। और पाकिस्तान में बसने वाले मजहबी अकलियतें और मेजॉरिटी पाकिस्तान का मुस्बत खूबसूरत चेहरा दुनिया के सामने जाहिर कर सकें। हमारी दुआ, मिन्नत और शुक्रगुजारी को कबूल फरमा। ये सब कुछ मांगते हैं आपके प्यारे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के अजीम नाम के वसीले से, आमीन। अभी मेरी गुजारिश है लामा असगर आरफ चिश्ती साहब से के माए और दुआ में। اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صدق الله العظيم अभी मेरी गुजारिश है प्रोफेसर सरदार कल्याण सिंह से कि वो आए और दुआ में। फरीदा खालक खलक में खलक वसै रब माही, फरीदा खालक खलक में खलक वसै रब माही, मंदा किसनु आखी है जा तिस बिन कोई ना है। गुरु ग्रंथ साहब दे पन्ना 1372 दे उत्ते ए शब्द विराजमान हन। इसका मतलब यह है कि फरीदा खालक खलक में ओ खालक खलक विच ही रहिंदा है, खलक वसै रब माहे, ते ओ रब जिहड़ा है उसनू ढूंढण की जरूरत नहीं है, वह भी खलक च रहिंदा है। मंदा किसनू आखी है कि किसनू भैड़ा ना कहो जा तिस बिन कोई ना है, उस तो बिना कोई वजूद नहीं, हर वजूद दे विच ओ आप विराजमान है। बहुत शुक्रिया। अभी हमारे दरमियान मैडम सुनीता जो कि डॉक्टर मुनव्वर चांद की मिसिज हैं, वो भी आज हमारे दरमियान है। हमारे हर प्रोग्राम में हिंदू कम्युनिटी से डॉक्टर मुनव्वर चांद होते थे, लेकिन आज के प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि मैं उनकी नुमाइंदगी करूंगी, तो हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। और इसके साथ साथ पंडित काशीराम, वो भी हमारे दरमियान मौजूद हैं, उनको भी खुश आमदीद कहते हैं। और अभी मैं गुजारिश करूंगा पंडित काशीराम से कि वो आएँ और दुआ करें। पार ब्रह्म परमात्मा गढ़ गढ़ पूरा अंतरी गढ़ सिमरन प्रगट प्योन श्री सतनाम श्री सतगुरु अरदास मारे समोगले जुरा मरारी पाले कदन तुम्हारे प्राण बिच सब तुम रे आशरंगत पतरा को ना सगल समुग्री तुम रे आगे प्रभु तेरी रचना लागे रचना को शीतल प्रसार रे सील के कोड पा तो कर जोड़ कर अरदास पूरन करो मारी आसम तुम गाये तीन लोक मर मंगल गाये चार विरन में घर घर पूजा राम नाम बिन लेनो दूजा संभगत के काज सारे अमी जन अरदास उचारे कर कृपा दीजियो स्वामी वाल्मीकि मंत्रामी गरीब निवाद अम्मी चंद की बेनती सतगुरु राखो राज हे स्वामी पति पाए भगवान आप हमारे से प्रगटाए दासो दास से आओ ओम स्वाम स्वाम सो महाराज हे भगवान हमारे पाकिस्तान को हमारी पाक राज फौज को सलामत आबाद रखे पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी हमारा ये जो प्रोग्राम है, ये जो मौजू है, ये बहुत ही अपनी नवीयत का एक डिफरेंट ये मौजू है। और इसकी मेहनत जो हमने की है, आज इस प्रोग्राम को जो ऑर्गनाइज किया गया है, इस पर बहुत सारे लोगों की मेहनत है। और हम चाह रहे हैं कि वो जो मेहनत है वो रंग लेकर आए। जो भी आज आप
गुफ्तगू सुने, जो आप बातचीत करें, क्योंकि यहाँ पर जो आज स्पीच करेंगे उनसे ज़्यादा आपकी भी राय होगी। आप जो नीचे लोग बैठे हैं, आपको मधु किया गया है क्योंकि आप सारे एक्सपीरियंस हैं और आप लोगों ने भी इस पे अपने सजेशन देने, अपनी राय देनी है। दूसरा, इस प्रोग्राम की आज खास जो खूबी है कि ये मिनॉरिटी राइट्स के हवाले से इस जजमेंट की रोशनी में हमने जो मिनॉरिटी राइट्स है उस पर बात करनी है। और आज हमारे दरमियान मसीही भी हैं, हमारे दरमियान हमारी सिख कम्युनिटी भी है, हमारे दरमियान हमारी हिंदू कम्युनिटी भी है, हमारे मुस्लिम जो बहन भाई हैं, मौलाना हजरात हैं, वो भी हैं, और इससे बढ़कर हमारे वकला हजरात हैं जो इस जजमेंट के हवाले से अपने ख्याल का इजहार करेंगे। और काशिफ नेमत साहब भी हमारे दरमियान आ चुके हैं, हम उनको भी खुश आमदीद कहते हैं। अभी मैं चाहूँगा कि फादर जेम्स चंदन ओपी साहब, जो कि कुछ दिन पहले बीमार थे, लेकिन उनकी हिम्मत जो थी वो हॉस्पिटल में भी, वो उनको प्रोग्राम के प्लान जो थे वो करते थे और उनके बारे में सोचते थे और बहुत सारे लोगों के साथ रابطہ भी करते थे। मैं खुशी के साथ दावत दूंगा फादर जी को, अच्छी सेहत के साथ खुदा ने उनको फिर ब्लेस किया है कि वो आए और आपके साथ वेलकम नोट जो है वो खुद पेश करें। आपकी जोरदार तालियों में फादर जेम्स चंदन ओपी साहब। नहायत ही काबिले एहतराम मौजूद खातिन हजरात, आज पीस सेंटर में हम पाकिस्तान का खूबसूरत चेहरा देख रहे हैं, बेशक। और ये पाकिस्तान है कि जहाँ पर मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग वो इकट्ठे मिल बैठे हैं, यहाँ पर तमाम बड़े मज़ाहिब जो हैं उनके नुमाइंदे मौजूद हैं और पाकिस्तान की खूबसूरती को ज़ाहिर कर रहे हैं। मुसलमान कम्युनिटी से, क्रिश्चियन कम्युनिटी से, हिंदू कम्युनिटी से और सिख कम्युनिटी के नुमाइंदे इस पीस सेंटर में इस छत के नीचे बैठे हुए हैं और आप सबका यहाँ पे आना सैमुल प्यारा, जो कि IMRF इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिनॉरिटी राइट्स फोरम के चेयरमैन हैं, उनके लिए और मेरे लिए बहुत ही खुशी का बायस है। मैं आप सबको दिल की अथाह रहम से वेलकम करता हूं और आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आज आप यहां पे तशरीफ़ लाए हैं। आज की ये जो कॉन्फ्रेंस है बड़ी अहम और बड़ी मुनफरद कॉन्फ्रेंस है। अहम और मुनफरद इसलिए कि आज हम बहुत सारे कानूनी पहलुओं पर गौर व खोज करेंगे और सुनेंगे और देखेंगे कि किस तरह से पाकिस्तान में बसने वाले तमाम लोगों और ख़ास तौर पर मजहबी अकलियतों को बराबर के हकूक मिल सके। बदकिस्मती से कई दफ़ा पाकिस्तान में ऐसे वाक़ात हो चुके हैं कि चर्चेज पर हमले किए गए, मंदिरों पर हमले किए गए, फोर्स्ड कन्वर्शन्स हुई, फोर्स्ड मैरिजेस हुई, हेट स्पीचेस अकलियतों के खिलाफ की गई और इस तरह से या कई ऐसे वाक़यात हुए या मंदिरों पर हमले किए गए, गुरुद्वारों पर हमले किए गए, चर्चों पर हमले किए गए और एक बहुत बड़ा हमला जो है वो पेशावर और सेंट जॉर्ज पर हुआ था, जिसमें अनऑफिशियली 126 लोग मसीही जो हैं वो इतवार की नमाज को शहीद कर चुके हैं। ऑफिशियली अगर से कहा जाता है कि 86 थे, लेकिन 126, लेकिन ये बताने के बहुत दर्जनों के हिसाब से मसीहियों को वो आनन फानन डेस्ट कर दी के हमलों में वो शहीद कर दिया। यही नहीं बल्कि हमारे जो ट्राइबल्स हैं और ये तो वो तो मुसाहिब हैं ही, उनका हम आप जिक्र करेंगे, हिंदुओं को क्या मसाइल हैं, सिखों को क्या मसाइल हैं, क्रिश्चियंस को मसाइल क्या है। इसके अलावा जो कलाश में लोग रहते हैं, कलाश ट्राइब्स हैं और वहाँ पर इस्माइली जो हैं उस फिरके के लोग वहाँ पर मौजूद हैं, उनको भी धमकी दी गई, कारवाई धमकी दी उनको
तो ये जो कैलाश रिलेटेड जो अपना आपके हिस्ट्री जो है वो एलेक्जेंडर के गेट पर लेके जाते हैं, उस वक्त से ये कैलाश कबीला है और लोग अपने आप को एसोसिएट करते हैं कि हम एलेक्जेंडर सिकंदर आजम की औलाद में से हैं या वहाँ से हम चले हैं, और उनको भी धमकी दी गई तालिबान की तरफ से कि तुम या तो अपने इस कैलाश मजहब को या कभी जो है ट्राई है इसको तब्दील कर लिया फिर कतल होने के लिए कतल कर दिया मुसलमान हो जाओ तो या फिर अपना ये कबीला ये जो है ना कैलाश कबीला छोड़ दो, और इस समय इस्माइलियों को भी इस किस्म की धमकी दी गई। तो इस तरह के सारे हालात देखते हुए कि जहाँ पर कैलाश कबीले के लोग महफूज नहीं अपने करते, जहाँ पर इस्माइली के लोग महफूज नहीं महसूस करते, जहाँ पर चर्चिस पर हमले हो रहे हैं, जहाँ पर सिखों को भी कत्ल किया जा रहा है, जहाँ पर हिंदू के गुरुद्वारे भी उठाए जाए, कहाँ पर नाबालिग हिंदू लड़कियों को ज़बरदस्ती उनका मजहब के लिए किया जा रहा है, उनकी शादियाँ की जा रही हैं। तो ये चीज़ें मैं अपनी तरफ से प्रोटेक्ट है, लेकिन ये सारी चीज़ें इस जजमेंट में मौजूद हैं, इस फैसले में मौजूद हैं, जो कि एक बड़ा तारीखी फैसला है जिसको तहरीर किया चीफ जस्टिस अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तसद्दीक हुसैन जिलानी ने। एक तीन जजेस का बेंच था और उसको हेड किया तसद्दीक हुसैन जिलानी ने, तो उसको आज हम फोकस करेंगे। और मैं शुक्रगुजार हूँ तसद्दीक हुसैन जिलानी का कि उन्होंने बड़ा बोल्ड फैसला दिया है, उसने कहा पाकिस्तान के सब लोग बराबर के हैं और किसी को हक हासिल को किसी को ज़बरदस्ती कह के अपना मजहब चेंज कर लो या उसको नाबालिग को कहे कि ये अपने ये बालक है इसकी ज़बरदस्ती निकाह पढ़ लिया जाए और चर्च पर हमले कर लें, ये इस जजमेंट में मौजूद है। मैं बस इसी इख्तिसार के साथ यही कहूँ कि कभी और काफ़ी बातें होंगी, तफसील से बातें होंगी, परंतु मुझे यकीन है कि आप बहुत कुछ आप यहाँ से सीखते जाएंगे। और मकसद यही है कि जो मिसाइल हैं बड़े बड़े मिसाइल हैं अकीदों को हल करना चाहिए, जो हो गए हैं हम उनके लिए शुक्रगुजार हैं, जो अभी हाल फिलहाल नहीं हो रहे हम उसकी कोशिश जारी रखेंगे ताकि पाकिस्तानी सिखों के, पाकिस्तानी हिंदुओं के, पाकिस्तानी क्रिश्चियंस के, पाकिस्तानी कैलाश लोगों के, पाकिस्तानी ट्राइबल लोगों के जो मसाइल हैं वो हल किए जाएँ, उसमें हमती अपना फर्ज अदा करें, उसमें अदालत अपना फर्ज अदा करें, उसमें ह्यूमन राइट्स की तंजीमें अपना फर्ज अदा करें कर रहे हैं और मजीद करें, और इसमें मुगल जो है वो जो हमारा सरमाए हैं हमारे प्रॉब्लम प्रॉब्लम वो भी अपना अपना पूरा हिस्सा इसमें अदा करें। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया और इन आज हम बहुत सीखेंगे और बातचीत करेंगे और इसके लिए मैं आप सबको खुशामदीद देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया फादर जी। कुछ बातें फादर जी ने इस मौजू के बारे में आपके साथ शेयर की हैं, और अभी जनाब सहमत प्यारा साहब जो कि इस जजमेंट के हवाले से और माइनॉरिटी राइट्स के हवाले से जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है इम्प्लीमेंटेशन माइनॉरिटी राइट्स फोरम, उस प्लेटफॉर्म के तहत न सिर्फ पंजाब में बल्कि पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ प्रोविंस में जाकर माइनॉरिटी राइट्स के हवाले से वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि एक अपडेट और इस कॉन्फ्रेंस के आज के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में वो आपके साथ शेयर करेंगे, तो मैं दावत दूंगा आपकी जोरदार तालियों में सेवन प्यारे सर। सबसे पहले तो मैं सबका बड़ा शुक्रगुजार हूँ और पीस सेंटर का, उन्होंने ये मुनासिब समझा कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो लैंडमार्क जजमेंट माइनॉरिटीज़ के हवाले से दी गई है उस पर एक प्रोग्राम मुनक़द किया जाए, और हम भी ये समझते हैं कि इस पर यह प्रोग्राम होना चाहिए और ये जजमेंट की जो अवेयरनेस है वो पूरे पाकिस्तान के हर लोगों तक पहुंचनी चाहिए। मौके से पहले मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि इस जजमेंट में जो सबसे बड़ी बात लिखी गई वो ये थी कि अकलियतों के हकूक के हवाले से जो हमारे हाई ऑफिशियल हैं उनको वो ही अवेयर नहीं है कि हमारे राइट्स क्या हैं। उसकी एक एग्जाम्पल दे के मैं फिर सारा शुरू करता हूँ। जब कमरा नंबर वन अदालत में इफ्सार किया गया एडवोकेट जनरल सिंह से
कि अकलियों को इबादत गाहों की बेहरमती के मंदिर तक बताएं, तो आप जवाब सुन के परेशान हो जाएंगे। उसका कहना यह था कि ताज़ पाकिस्तान के तहत अकलियतों की बेहरमती इबादत गाहों की बेहरमती करना कोई जुर्म नहीं है। तो इस वक्त जब अजमत सईद साहब ने यह सुना तो वो परेशान हो गए, तो इनके अंदाज़ा लगा लें कि एक लाख इसे को ये पता नहीं है कि हमारे राइट्स क्या हैं। तो इसलिए ये लाजमी था कि ये जो जजमेंट आई कि लोगों तक पहुँचाई जाती, तो क्योंकि हमारे मोस्ट सीनियर एडवोकेट जनरल काशिफ साहब IMRF के जो हेड वो तशरीफ रखते हैं, थोड़ा सा लेट होगी। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ सर आइए, क्योंकि आज आपका काम है, आपको सुनना है। मैं एक तफसीली डिस्कशन करना चाह रहा हूँ कि आज क्योंकि हमारे मौलाना हजरात साहब को भी यहाँ पे बुलाया गया, उसको बुलाने का एक मकसद था कि क्योंकि यहाँ पे सारी जो मिनोरिटीज़ है वो नुमाइंदगी कर रही है, तो मैं समझता हूँ कि ये पहला फैसला था जो काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियालॉजी ने उसको अडॉप्ट किया, और उस पर बाकायदा तौर पर उन्होंने इस फैसले को जो 70 जो सिफारशात थी उसको काउंसिल में रखा, और काउंसिल ने उस पर बाकायदा तौर पर अपना कमेंट्स दिए कि ये बराबर कायन और सुनना के मुताबिक हैं, और ये जो जजमेंट फैसला है इस पर अमल दरामद को यकीनी बनाना चाहिए। और उसमें बड़ा क्लियरली उन्होंने हमारी इबादत गाहों के जो हमले थे उसको भी किया गया। तो ये मैं अब तफसील आपको बता देता हूँ कि बदकिस्मती ये हुई कि एक सितंबर में पेशावर चर्च में बम ब्लास्ट हुआ, जिसमें हमारे काफ़ी जो लोग उन्होंने शहादत दी और कुछ लोग जो हमारे दोस्तों से ज़्यादा ज़ख्मी हुए। लेकिन वहाँ पे बात ये हुई कि आज क्योंकि ओपन बातें होंगी, बिशप अफाज साहब इजाज़त दे, तो हमने एक रिक्वेस्ट रिलीजियस आदमी से की कि अगर आप फॉर द टॉप लेवल पर्सन एक एप्लीकेशन अगर सुप्रीम कोर्ट में आप दे दें तो इस पर सो मोटो करवाया जाए। एक्चुअली ये सो मोटो जो था वो एक कंपनसेशन अनाउंस की थी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने और KPK ने, तो वो जब बम ब्लास्ट हो गया और थोड़ा सा वक्त पड़ा तो उन्होंने ये पैसे देने से इनकार किया, लेकिन उस पर एक एप्लीकेशन मूव की गई और वो रिलीजियस हेड ने तो ना की, लेकिन जैसे हेल्प प्लान कराची से वो मूव एप्लीकेशन जिस पर सो मोटो नोटिस ले लिया गया। सो मोटो के बाद 3 टॉप स्टार जो जज थे उन्होंने ये सारा सुना, उसमें जो हमारे एंड से शिकायत थी वो कुछ यूं थी। जब हुआ तो मैं थोड़ा सा बताऊँ कि इसमें कोई ऐसी हेयरिंग नहीं है जो हमने मिस की हो, तो उसमें हमने ये रिक्वेस्ट कर दी, हमारे हमें तो कोई मसला नहीं था कि कोई लाइसेंस कैंसिल हो गए, हम तो बड़ी खुल खुला के बातें और अदालत सुनती भी थी और अदालत बड़े अहतराम के साथ, तो उसमें ये बात कर दी गई कि जनाब अगर आपने ये सुमो तो नोटिस ले ही लिया है तो इस तरह से किया जाए कि हमारी तमाम शिकायत जो हैं मिनोरिटीज़ की वो सुन ली जाएँ। तो उन्होंने ये मुनासिब समझा आला अदलिया ने, उन्होंने नोटिस जारी कर दिए तमाम अदालों को कि आप जो हेड्स हैं वो अपनी अपनी शिकायत ले आएँ ताकि एक दहाफा ही इसको सुन लिया जाए। तो उस वक्त जो हमारे तरफ से मिनोरिटीज की तरफ से सिफारशात गईं और जिन जिन पे जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ वो मैं पहले आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि जो हमारे यहाँ से चीज़ें गईं और क्या क्या हुआ। मौका 22 सितंबर 2013 को पेशावर चर्च में बम ब्लास्ट हुआ, जिसके नतीजे में सारा कुछ लिखा गया और जैसी हेल्प प्लान तंजीम ने एक एप्लीकेशन दी जिस पर सो मोटो नोटिस लिया गया। और इसके बाद क्या होता है कि जो सिफारशात थी वो ये थी कि हिंदू लड़कियों को ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करने से मतलब जो मुकदमात रजिस्ट्रार थे उनकी पेशरफ, दूसरा ये था कि वफाकी हुकूमतों की जानब से पेशावर धमाके के मुतासिरीन के लिए ऐलान करदा जो रकम है वो उसकी अदम अदायगी, और तीसरी जो सिफारशात थी वो थी हिंदू
सिंध में हिंदू मंदिरों की बेहुरमती उस वक़्त ये बहुत ज़्यादा था कि वहाँ पे मंदिरों की भी बहुत बेहुरमती की जा रही थी। चौथा जो है वो हिंदू, और क्योंकि अब मसीह आ गया, क्योंकि हमने एक जजमेंट जो कोटा बम ब्लास्ट में जजमेंट ली तो उसमें वाजिया तौर पर डायरेक्शन कर दी कि अब मसीह लिखा पढ़ा जाएगा, तो उसमें लिखा गया कि हिंदू और ईसाई लड़कियों की जो शादियां हैं उनकी रजिस्ट्रेशन के मतलब से शिकायत थी। और ये 10 पॉइंट जो चर्च ने किए, लेकिन चर्च की तरफ से एक ही पॉइंट टेकअप हुआ कि सिर्फ और सिर्फ शादियों की रजिस्ट्रेशन के मतलब। उसके बाद जो फैसला आया उसमें यानी कि ये था कि चर्च की तरफ से कोई ला ऑफिसर पेश ना हो सके, लेकिन फैसला इस तरह से आ गया कि कोटा बम ब्लास्ट का जो जिस पे था वो अदालत ने अपने फैसले में लिख दिया कि वो ऑलरेडी पैसे दे दिए गए, कंपनसेशन दे दी गई है। और उसके बाद मसीही शादियों का जो था उसमें ये फैसला आ गया कि ऑलरेडी जो शादियां हैं वो गवर्नमेंट पंजाब ने क्योंकि सीएम में जमा करवा दी, उसमें ये फैसला आ गया कि जी ऑलरेडी शादियां रजिस्टर हो रही हैं। और तीसरा जो आया सिंध में जो लड़कियों के मतलब था, वो जब ह्यूमन राइट्स और बाकी रिपोर्ट्स आई तो उसमें वाजिया तौर पर लिख दिया गया कि मूमन पाया गया है कि हिंदू लड़कियाँ अपने अपने आशनाओं के साथ मर्जी से बाहर जाती हैं और मर्जी से शादियाँ हो चुकी हैं, लिहाजा अदालत इसको नहीं करेगी क्योंकि वो अपना घर बसा चुकी हैं, ये कह दिया गया। उसके बाद जो हिंदुओं की शादी का अंदराज था वो रमेश कुमार साहब ने कह दिया कि हो रहा है। और एडवोकेट जनरल साहब की तरफ से जो रिपोर्ट जमा कराई उसको एक तसल्ली बख्श रिपोर्ट करार ना दिया गया, लेकिन सबसे बड़ा जो फैसला हुआ इसके बाद वो 7 TOR थे पैरासेंटी में, अगर आप PLD जो 19 जून 2014 की जजमेंट है PLD 699 रिपोर्टेड जजमेंट है, तो अगर आप वहाँ पे देखें तो वो जो 7 डायरेक्शन थी, पहली ये थी कि वफाकी हुकूमत एक टास्क फोर्स तकलील देनी चाहिए जिसके जिम्मे मजहबी रवादारी का क्याम लाएमन होगा, और दूसरा जो था वो ये था कि स्कूल और कॉलेज लेवल पे ऐसा मुनासिब निसाब तकसील दिया जाए, और तीसरा जो था वो ये था कि वफाकी हुकूमत ऐसे मुनासिब इकदाम उठाए जिसकी बना पर सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज तकरीरों की हौसला शिक्री को यकीनी बनाया जाए और मरतब अफराद को कानून के मुताबिक सजा के दायरे में लाया जाए। चौथा जो डायरेक्शन थी वो ये थी कि कौमी कौंसल बराए अकलियती तकशील दी जाए जिसके दायरा इख्तियार में बहुत सारी चीज़ों का जिक्र किया गया, और पांचवा एक ये था कि एक मखसूस स्पेशल पुलिस फोर्स जो फोर्स है वो बनाई जाए। एक्चुअली लोग इसको टास्क फोर्स समझते रहे हैं, टास्क फोर्स डिफरेंट है और पुलिस फोर्स जो थी वो डिफरेंट थी। टास्क फोर्स का जो कहा गया था वो इंटीरियर मिनिस्ट्री को डायरेक्शन थी, और टास्क फोर्स सिर्फ उसने एग्जामिन करना था जो सोशल मीडिया पर था उसके लिए टास्क फोर्स का कहा गया था। जो छेवा था उसमें चारों अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल की तरफ से रिपोर्ट जमा करवाई गई 5% कोटे के हवाले से, जिसको इंश्योर करने के लिए अदालत ने कहा। और जो आखिरी था वो एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मामला था, तो बहुत बड़ा मामला ये था कि हमने ये रिक्वेस्ट की इफ्सार किया कि मूवमेंट पाया जाता है कि जब डायरेक्शन होती है तो इस तरह होता है कि रिटायरमेंट का टाइम आ जाता है, लेकिन उस पर जज साहब ने बड़ा क्लियरली उसने कहा कि इसका भी बंदोबस्त करते हैं, जिस पर उन्होंने फिर ये TOR का 8 नंबर ये कह दिया कि जब भी सुप्रीम कोर्ट इस पर सेपरेट बेंच बनाती रहेगी जब तक इस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। तो जब ये फैसला आया तो उसमें हमने ये मुनासिब समझा कि टॉप जो लीडरशिप है उसके नाम इस फैसले में आए ताकि ये सारी चीज़ें की जाएं। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इसी सोमोटो नोटिस में ये फिर चलता रहा, तो 14 फरवरी को डॉन न्यूज़ पर एक आर्टिकल आता है क्लास कम्युनिटी के लिए, जहाँ तो आप मुसलमान हो जाएं
या फिर मरने के लिए तैयार हो जाए, उसको भी इसी सोमोटो का हिस्सा बना लिया गया। चीफ जस्टिस सदस्य जलानी उस पर भी नोटिस लिया और वो भी इस सोमोटो का हिस्सा बना। यहाँ पे कहने की बात ये है कि तमाम कम्युनिटी इसमें जो रोल अदा करती रही, क्रिश्चियन हिंदू जो कम्युनिटी और रहनुमा थे उन्होंने भरपूर तरीके से इसको निभाया। और नोटिस जो जब हमने तमाम लोगों के लिए कहा गया नोटिस हुआ तो उसमें सिख बिरादरी को भी नोटिस किया गया, लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने ये मुनासिब ना समझा कि इस पे जाना हो, तो उनकी तरफ से भाई कम्युनिटी की तरफ से या बाकी लोगों की तरफ से उसमें नुमाइंदगी नहीं हो सकी। तो इस तरह से हिंदू और क्रिश्चियन कम्युनिटी ने इस पे बहुत बड़ा रोल अदा किया। अभी तक जितने भी फैसले आ रहे हैं और जितनी जजमेंट्स आ रही हैं इस पे, उसमें उनका बहुत बड़ा रोल है। और मैं यहाँ पे अप्रिशिएट करता हूँ जनाब रमेश कुमार को, उसका भी बहुत बड़ा रोल है। उसने अपनी पार्टी के ही खिलाफ ऐसी ऐसी चीज़ें की कि ये हो रहा है ये हो रहा है, उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन था। तो ये जब जजमेंट आ गई तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमने और मैंने और रमेश कुमार ने एप्लीकेशन मूव की, और वो थैंक गॉड के उस वक्त के चीफ जस्टिस नासर मुल्क साहब जिन्होंने सबसे ज़्यादा इस पे इम्प्लीमेंटेशन के लिए इस जजमेंट पे काम किया, उन्होंने भी इसको टेकअप किया। और 16 जब पहला नोटिस हुआ तो जो फैसला 11 का उसमें तो हाजिर ना हो, लेकिन 16 में फिर दबंग किस्म का एक फैसला आया और उसमें हमने ये सार किया हुआ था कि नेशनल काउंसिल जो है वो बनाई जाए, क्योंकि जजमेंट का दूसरा पार्ट था। तो गवर्नमेंट की तरफ से ये जवाब आ गया 16-12 के ऑर्डर में कि क्योंकि ऑलरेडी कमीशन बना हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, तो इसको फिर कमीशन का ही नाम दिया जाए, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान उस वक्त के नासिर मुल्क साहब ने ये कॉन्स्टिट्यूट किया और उसका नाम जो है वो नेशनल कमीशन फॉर मिनॉरिटी रखा। लेकिन वो जब कॉन्स्टिट्यूट हुआ तो उसमें साफ तो ये किया गया कि एक यानी कि मिनॉरिटी का ही जो लीडर है वो इसका चेयरमैन हो, लेकिन हमारे दोस्त को जब पता चला कि इसकी चेयरपर्सन क्रिश्चियन कम्युनिटी से आ रही है तो उन्होंने फिर कहा कि नहीं ये हाई ऑफिशियल होना चाहिए। तो उस सूरत में फिर अदालत ने एक उस वक्त के जो फेडरल मिनिस्टर थे उसको इसका चेयरमैन बनाया, और उसके लिए भी बड़ी जदोजहद करके तो 2.5 साल के बाद उन्होंने ये बनाया। और उस वक्त भी चंद लोगों से ये कहा गया कि ये कमीशन जो हमारे दूसरे मुल्क की तरफ से बना हुआ कमीशन है मिनॉरिटी का, उस लेवल पे बनाया जाए, लेकिन इसको भी प्राइम मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे ही कॉन्स्टिट्यूट कर दिया। उस वक्त भी जो हमारे मेंबर थे हमने कहा कि इसको करें, लेकिन बदकिस्मती ये होती है कि जब टंडोर ख़त्म होने वाला होता है ना, कोई 2 महीने रह जाते हैं कमीशन के, उस वक्त ये शोर करना शुरू कर देते जी आप बना लें, उस वक्त फिर असेंबली तो उसको नहीं करती। इसी तरह अब हुआ है कि इसी तरह वो कमीशन जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट के तहत नहीं आ सका। तो इस जजमेंट में जो चीज़ें आई इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से, अब मैं बताना चाहता हूँ, उसमें ये कहा गया कि टास्क फोर्स बना दिया जाए, कमीशन बना दिया गया, उसके बाद एक टास्क फोर्स भी इस्टेब्लिश कर दी गई जो इंटर बनाई गई फेडरल रिलीजियस और इंटरफेथ आर्मी के, उसमें मिनिस्ट्री फॉर इंटीरियर FIA 5 ग्रुप को लिया गया ताकि वो बस इसका कर सके। तो क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा जो ग्रुप है वो राइट टू इंफॉर्मेशन पे बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, और हमारा जो मेंबर कोऑर्डिनेटर भूटा इम्तियाज़म राइट टू इंफॉर्मेशन के चैम्पियन का अवार्ड भी उनको पाकिस्तान में दिया गया। तो उन्होंने फिर एक राइट टू इंफॉर्मेशन डाली कि हमें इसकी रिपोर्ट दी जाए कि कितनी मीटिंग्स हुई हैं और किस तरह से हुई है। इसकी जजमेंट पे अमल दरामद करवाने के लिए आज तक 6 चीफ जस्टिस काम कर चुके हैं, और बदकिस्मती से कुछ अमल दरामद हुए हैं लेकिन कुछ अमल दरामद नहीं हो सका। आखिरकार जो यानी कि ये सारी चीज़ें हुई तो मैं और बिशप साहब मेरी अर्ली हेयरिंग पे जब खुसा साहब इस पर जमाली साहब के बाद
इसको जमानी साहब के बाद फौसा साहब ने टेकअप किया तो उस पर हर्ली हेयरिंग में केस आया लेकिन कोई पेश ना हुआ, तो उस पर ये बात कह दी गई कि ग्रेवियस शायद नहीं है लेकिन जो जजमेंट थी उसको ऊपर रखा गया। और एक एडिशन कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें चीफ जस्टिस साकम अंसार साहब और तसद्दद हुसैन जदानी साहब थे, तो हमने उनको रिक्वेस्ट की कि सर ये एक लैंडमार्क जजमेंट है, अगर इसको इम्प्लीमेंटेशन करवाया जाए। उन्होंने ये मुनासिब समझा, जब ये उन्होंने कहा जी मैं ज़रूर करूँगा अगर साकब जलानी इसमें, तो साकब जलानी साहब जो हैं वो तसद्दद हुसैन जलानी साहब के साहबजादे हैं, तो उन्होंने ये फिर किया और पीटर जैकब साहब और उन्होंने एक एप्लीकेशन दी तो उसमें हमें भी शरीक किया गया। तो फिर दोबारा से इसको सोमोटो के ज़रिए ओपन कर दिया गया, तो उसमें फिर वन मैन कमीशन जो है लार्जर बेंच ने ये मुनासिब समझा कि सूरत हाल को देखते हुए कि इतने कामों के बाद भी नहीं हुआ, एक वन मैन कमीशन बनाया गया जिसको डॉक्टर शुएब सटर का नाम दिया गया। उस वन मैन कमीशन ने इस पे इम्प्लीमेंटेशन के लिए काम शुरू किया, लेकिन उससे पहले बेशुमार चीज़ें हुई। जो जजमेंट आई उससे पहले भी कोई 7 डिसीजन सुप्रीम कोर्ट दे चुकी थी, जिसमें मंदिरों के हवाले से कराची के जो डिसीजन थे उसमें हमारा हिंदू जिम खाना, बल्कि हमारा क्रिश्चन जो जिम खाना है वो, उसके डिसीजन आ चुके थे जो हमारे पास हमें मिले हैं। और इसी तरह ये सिलसिला चलता रहा। शादियों की रजिस्ट्रेशन के हवाले से उन्होंने जो पंजाब गवर्नमेंट ने रिपोर्ट जमा कराई उसी पे अमल दरामद करते हुए हमें परेशानी रही कि जो टॉप चर्च हैं स्कॉटलैंड जो 1872 कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट के तहत हैं उनको भी रोक दिया गया कि आप ये शादियाँ नहीं। लेकिन उसके बाद साकम अंसार साहब का जब आया तो बिशप अलेक्जेंडर साहब और हमारे दिलीना दोस्त जो इस जजमेंट का बड़ा अहम हिस्सा थे पादरी शहद मराज साहब ने एक दोबारा एप्लीकेशन मूव की इसी सोनोटो में, और वो इजाज़त मिल गई कि कुछ टाइम पीरियड जब तक आप अपनी वो नहीं बना लेते गाइडलाइन उस वक्त तक ये शादियाँ की जाएंगी। तो कहने का मकसद है जब आपने टेकअप किया तो हमारे एंड से जो सारी चीज़ें थी वो था कंपनसेशन, कि जो आपने प्रॉमिस किया है खुदा का शुक्र है कि जो मुकदमा हम लूज़ कर चुके थे कि जो गवर्नमेंट ने कंपनसेशन दे दी है उस पर IMRF ने वो मुकदमा विन किया, और 2015 में 10 करोड़ रुपया फेडरल गवर्नमेंट और 10 करोड़ रुपया KP के गवर्नमेंट की वजह से एंडोमेंट फंड बना दिया गया। हमारे मना करने के बावजूद भी बिशप साहब ने ये मुनासिब समझा कि एंडोमेंट फंड इस्टेब्लिश कर दिया जाए, क्योंकि उनको अंदाज़ा नहीं था कि गवर्नमेंट का पैसा वो हमें नहीं मिलेगा, वो गवर्नमेंट ही इस्टेब्लिश करेगी। तो इस तरह से उन्होंने शायद ये समझा, लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि वो एंडोमेंट फंड के पैसे जब ट्रांसफ़र किए तो वहाँ पे कोई हेड नहीं था पैसे जिसमें जाए। तो मैंने जब जाके PK चीफ सेक्रेटरी से मीटिंग की तो उन्होंने कहा ये पैसे तो फिर वापस चले जाएंगे, तो मैंने कहा PDMA रखे इसको। अब पैसे तो चले गए, उसके लिए नया एक्ट चाहिए था, तो खुदा का शुक्र है कि IMRF की लीगल टीम ने और डॉक्टर अनस साहब और हमने बड़ी स्ट्रगल के बाद ये पाकिस्तान की तारीख की पहली कानून सादी थी जो एंडोमेंट फंड की सूरत में बनी। बलोचिस्तान वहाँ पे KPK में लहदा से एक कानून साजी कर दी गई है रिहैबिलिटेशन टेररिस्ट अटैक फॉर द मिनोरिटीज़ के लिए, और वहाँ पे मिनोरिटीज़ को ये प्रिविलेज दिया गया कि जो आपका राइट है KPK एक्ट के तहत वो तो मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो भी आपको मिलेंगी। और कुछ लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि अक्सर वो सवाल करते हैं कॉम्पनसेशन का, KPK गवर्नमेंट ने कंपनसेशन सेम हफ्ते में अदा कर दी गई थी जो उनका एक्ट था 5,00,000 और 2, ठीक है जी। हाँ, अगर कमिटमेंट नहीं की थी तो वो रियाज मलिक और उन्होंने नहीं की थी पीपल्स पार्टी ने, तो थैंक गॉड के जैसे ही हमने इम्प्लीमेंटेशन बेंच बनवाया तो साकम अंसार साहब ने फौरी तौर पर गुलजार साहब ने बल्कि उस पर बड़ा खींचा काम कि ये पैसे पहुँचाएँ, तो हफ्ते के बाद सेम पैकेज वो सिंध गवर्नमेंट ने भी जो अनाउंस किया था वो उनको मिल गया।
उसके बाद हमारा कड़क समाधि मंजिंदर जो था उस पर अटैक किया गया और उसको भी सोमोटो का हिस्सा बना के वो दोबारा से बना दिया गया। लेकिन बदकिस्मती ये रही कि तस्लीम करना ज़रा हमें मुश्किल है, तस्लीम नहीं किया जाता हमें। और कड़क समाधि मंदिर के लिए जब किया गया तो बड़े मसले मसाइल कर तो लिया, लेकिन उसका सेकेंड फेज जो है वो अभी आया, उन्होंने उस पर हमला कर दिया तोड़ दिया। लेकिन इसी सोमोटो के तहत जैसे गुलजार साहब का बड़ा दबंग डिसीजन आया कि जो उन्होंने ये मंदिर को थोड़ा नुकसान पहुंचाया है उनसे पैसे रिकवर किए जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें हुई हैं। और उसके बाद जो सबसे बड़ा था कि नसाब, नसाब के हवाले से अभी इस पर कोई मेरे ख्याल से 37 एरी हो चुकी हैं, उस पर काम जारी है और उसको देखा जा रहा है। बाकी जो था कि टास्क फोर्स वो बन गई है, उसको भी बना दिया गया है और चंद एक्शंस हुए भी हैं। और उसके बाद आ जाती है स्पेशल पुलिस फोर्स जो प्रोटेक्ट करेगी मिनोरिटी प्लेसेस को। जब चारों सूबों और पांच में फेडरल में हमारी मीटिंग्स हुई आईजी के साथ और इंटीरियर मिनिस्ट्री के साथ और सीएम के साथ, तो उसमें उन्होंने ये कह दिया कि बजट की मजबूरी है, हाँ प्रोटेक्ट तो हमने करना है, तो उसके लिए स्पेशल यूनिट जो हैं वो कैम्प कर दिए गए हैं इन्होंने। जो फिर उसके बाद हमने एक रिक्वेस्ट ये भी की कि नासिर मुल्क साहब को किन से चारों गवर्नमेंट से और फेडरल से मिनोरिटी वर्सेस प्लेसेस के सिक्योरिटी प्लान बनवा दिए जाए। अब सिक्योरिटी प्लान इनको ये अंदाज़ा नहीं होगा कि इस पर इम्प्लीमेंट भी करना है, इतना खूबसूरत बनाएंगे ना जैसे कि सारी प्रोटेक्शन हमारी है, तो वो उन्होंने जमा करा दिया। जब इस पर इम्प्लीमेंटेशन के लिए चारों सूबों के चीफ मिनिस्टर साहब से बात कर दी गई तो मीटिंग्स होगी, तो बदकिस्मती से मैं बताना चाहता हूँ पंजाब में जिन हजरात ने मीटिंग की उसमें हमारे आर्च बिशप मजीदेव और बाकी लोग भी शामिल थे और तहर खलील संधू साहब, उन्होंने ये कह दिया कि पंजाब में सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। जबकि ये सीएमए जैसे पंजाब में जमा होती है तो इस्लामाबाद का वाक्य हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें भी सामने आई, लेकिन बाद में पूछा गया जब तो उन्होंने क्या कि हमने ये मिट्स बना के नहीं बनाई है, गवर्नमेंट इस तरह का भी काम करती नहीं है। तो उस वक्त ये फिर सिक्योरिटी प्लान जो है उसका एक रिजल्ट जो आया, जो बेनिफिट हुआ, वो कोटा बम ब्लास्ट में देखा गया। जो सिक्योरिटी प्लान दिया गया था, पहले दो सिपाही होते थे लेकिन सिक्योरिटी प्लान के बाद स्नैपर भी लगाया गया और उस वक्त उस स्नैपर ने गोली मारी थी जो बम ब्लास्ट करने के लिए आया था, उसको एंगेज कर दिया, तो काफ़ी 1000 का नुकसान होना था जो कम कर होगा। तो ये सिक्योरिटी प्लान का रिजल्ट था और कोटा जो है वो सिक्योरिटी प्लान के हवाले से काफ़ी आगे है। वहाँ 3 किस्म की डिफरेंट फोर्स लगाई जाती हैं और वहाँ पे जो कहा गया ट्रेनिंग के हवाले से, उसमें चर्च नॉन सीरियस रहा, चर्च ने टोटल मुनासिब नहीं समझा कि जो हमारे इतनी फैसिलिटीज हमें दी जा रही है कि हमारे जो वॉलंटियर्स हैं उनको ट्रेन किया जाए, इन्होंने अपना अदम इजहार किया उस पर और वो नहीं कर सके। उसके बाद आ जाता है कि हिंदू लड़कों के अगवा होने, तो उसके बाद जो जजमेंट्स आई हैं हाई कोर्ट और उसके बाद, वो ये ज़रूर है कि एक ऐसा ग्रोह है जो करता है, लेकिन जिन कमीशन्स की जिम्मेदारी लगाई जाती है वो यहाँ पे तो बड़ी खुल खुला के बातें करते हैं लेकिन उसके बाद जाके फिर इसको कर दिया जाता है। तो इसी जजमेंट के हवाले से मैं कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ कि जैन मंदिर के लिए एप्लीकेशन दी गई और बाकी की मंदिर, तो वो आपके सामने है। इस पर इम्प्लीमेंटेशन मिनोरिटी राइट्स फोरम ने जैन मंदिर बनवा दिया है और जो बाकी की मंदिर है उसको उसी स्टोरी में 100 साल पहले उसी की वो ड्राइंग उसी पे सारी वो चीज़ें करते हुए उसको रिबिल्ड किया जा रहा है, उसके लिए एक्सेस कर दिया गया बजट में। और उसके बाद जो है सबसे बड़ी जो बात 2012 के बाद किसी पार्लियामेंट या किसी को ये नहीं कि हमारा एक नेशनल कल्चर अवार्ड था जो पहले कायदे आज़म गोल्ड मेडल था और ये सेम उसी दिन दिया जाता था जब ये बाकी अवार्ड दिए जाते थे बड़े प्राइड ऑफ फार्मेसी, लेकिन इन्होंने मुनासिब समझा
कि नहीं इनको ना ही रखें, इन्होंने उसको नेशनल कल्चर अवार्ड कर दिया। 2012 के बाद जब सूबों को ये हुक्म दिए गए तो उस वक्त टोटल इसको ख़त्म कर दिया गया और IMLF टीम ने फौरी तौर पर इस पर एक्शन लिया और उस पर एक मार्क डायरेक्शन दे दी कि इसको ये फौरी तौर पर किया जाए। ये वो चंद चीज़ें हैं जो यानी कि हूँ। तो मैं समझता हूँ कि ये जो लैंडमार्क जजमेंट है इसमें बहुत बड़े बड़े जो मामलात हैं लोग अपने केस लेके जाते हैं उसकी ज़रूरत नहीं है। मैं अदालतों को कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा महंगा वकील करने की ज़रूरत नहीं, इन पर्सन एप्लीकेशन दें। बल्कि चीफ जस्टिस जब हमारे प्रोग्राम में उन्होंने भी कहा आप एप्लीकेशन दें, इस पर इम्प्लीमेंटेशन बैंक तो बनता है, हम करने के लिए तैयार हैं। तो आखिर में मैं एक बात करना चाहता हूँ कि एक 5% कोटे के वाले से बदकिस्मती है कि अभी वन मैन कमीशन और हमारी एफर्ट से 50 सीटें CSS की क्रिएट की गई लेकिन कैंडिडेट नहीं मिले। 36,000 वैकेंसीज जो हैं वो खाली हैं, पंजाब में कैंडिडेट नहीं मिले। तो हर साल कोटा जो है वो बड़ा हो रहा है, तो इस पर भी हमें नोट करने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं और वन मैन कमीशन जो है इस पर काफ़ी सारा काम कर रहा है। तो इस पर इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये ताहयात बेंच है, ये प्रिविलेज है हमें कि इसको करना चाहिए। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में जो इसको कर दी गई है, तशरीह कर दी है, उसमें मुसलमान भाइयों को कुछ ज़्यादा प्रिविलेज दिए गए हैं, जैसे काउंसिल ऑफ इस्लामिक कार्डियोलॉजी है और उसके बाद शरीयत कोर्ट है। 4191 के नाम सदर बन सकते हैं, नाम प्राइम मिनिस्टर। तो ये सारी चीज़ें अब तशरीह कर दी गई हैं। तो लेकिन जहाँ पे फोर्स कन्वर्जन और बच्चियों का कम उम्र की शादी का मामला है उसमें फेडरल शरीयत को दबंग किस्म के डिसीजन दे रही है और वो इस मामले में बहुत ज़्यादा आगे हैं। ये पहली दफ़ा है कि कोटा बलोचिस्तान को फेडरल शरीयत के चीफ जस्टिस ने डायरेक्शन दी कि इस पर कानून साजी करें। तो आज तक जितनी भी कानून साजियाँ हुई हैं वो थ्रू सुप्रीम कोर्ट ही हुई। थैंक यू वेरी मच।